नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सरकार को पैसा ऐंठने के चक्कर में लोग बन जा रहे हैं जमादार, सरकार को लगा रहे हैं चूना। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को नौकरी देने का ढोल बजाती फिर रही है तो दूसरी तरफ शासन प्रशासन में अपनी पकड़ रखने वाले लोग जाति बदल कर प्रधानमंत्री जन योजना के तहत शौचालय में कार्य करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिला फरुखाबाद तहसील अबरतपुर के अंतर्गत अमैयापुर में देखने को मिला, जहां एक तरफ सरकार की निगाह में धूल झोंकते हुए अपनी जाति बदलकर जमादार की नौकरी कर सरकार को चूना लगा रहे हैं। रतनपुर में पंडित जाति और पश्चिमी में तेली की पत्नी जमादार का कार्य कर सरकार को चूना लगाती हुई नजर आ रही है। मजे की बात तो ये है कि आए दिन शौचालय बंद ही रहता है और इनकी मर्जी के अनुसार कभी कभी खुलता है, तो वहीं दूसरी तरफ बगैर विद्युत कनेक्शन के ही सरकारी शौचालय में समर टेबल पंप चलाकर सरकार को चूना लगा रहे हैं, जहां सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों की निगाह नहीं पहुंच रही है। या ये कहने से गुरेज नहीं किया जा सकता कि सभी का हिस्सा बराबर मिला जा रहा है। वहीं किसी गरीब के घर विद्युत कनेक्शन नहीं होने पर विद्युत विभाग के कर्मचारी तो सूंघ कर पहुंच जाते हैं और विभागीय कार्यवाही करने से भी नहीं चूकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को चूना लगाने वालों पर योगी सरकार कार्यवाही कर पाती है, या ये मान लिया जाए कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो आम जनता से लेकर सरकार को भी नहीं छोड़ते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे लोगों को कार्यमुक्त करके इनके साथ भी सरकारी चोरी के तहत मुकदमा होने चाहिए। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।